अंदर जा, चलो। ड्यूटी से आ गई हूँ और खाना उना खा ली हूँ। काफी ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा खाना बहुत दिन बाद खाई, क्योंकि घर तो आती नहीं हूँ, तो होटल में खाते हैं तो गरम गरम खाना मिलता है। तो आज घर आई हूँ तो थोड़ा ठंडा ठंडा खाना आज था, मतलब गरम किया हुआ नहीं था, सुबह का बना हुआ था, जैसे बात ठंडा रहेगी तो अभी ठंडा लग रहा है। और आज हम लोग का देहाती लोगों का जो गाँव देहात का जो काम है वो आज हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज हमारा रोपा स्टार्ट है। तो अभी बज रहे 3:30 और हम लोग जाएंगे रोपा रोपने के लिए। ज्योति तभी से ही मैं ड्यूटी में थी और कॉल की और बोली दीदी रोपा लगा है, आज दुकान मत जाना, आना घर। तो मैं आ गई हूँ, खाना भी खा ली हूँ, अब जाती हूँ ड्रेस चेंज करूँगी रोपा के लिए, क्योंकि ऐसे ड्रेस पहन के नहीं जा सकते ना रोपा, खेत में पूरा काद वाद हो जाएंगे ना इसलिए। और ज्योति अभी बर्तन धो के आई हुई है और इधर क्या कर रही है, तो अभी जाएंगे हम लोग रोपा के लिए। पहले ड्रेस मैं चेंज कर लेती हूँ। हम लोग ड्रेस हम लोग ड्रेस चेंज कर लिए दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे, ज्योति भी ड्रेस चेंज कर ली है, चलो। और हम लोग डीजे लेके जाएंगे रोपा में, हम लोग डीजे बजाएंगे और रोपा रोपेंगे खूब, चलो। और मम्मी तभी गई हुई है, पापा अभी अभी आए हैं हल जोत के। तुम बाल मंगवाना तो कलेक्टर मानो चलते हैं दोस्तों, चलिए आप दिखाएंगे हम लोग का खेत रोपा रोपेंगे। देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा भी है, मतलब अंडा से निकाली है इतना सारा मुर्गी। और जोर जोर गोपा देखेंगे, देखिए गोपा को कैसे खा के और कैसे लंबा हो रहा है जोर। और गोपा इधर है, गोपा आजा बेटा आजा आजा, देख कैसा है ये बेटा, तुम लंगड़ाता है क्या हुआ तुमको, गोपा गोपा नहीं आएगा, तुम आजा नहीं आएगा, चलो आजा जॉर्ज आजा आजा आ बेटा, हाँ नहीं आएगा, तुम लोग भाव खा रहे, चलो ज्योति। ज्योति पता नहीं दोस्तों क्या कर रही है, खा भी नहीं रही है, पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, पहले लोग तो चाचू 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 करते हैं, पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं नहीं तो कुछ भूल जाएगा। ज्योति चलो दरवाजा बंद करो, किधर से पार होगी, अरे किधर से पार होंगे, इधर से घर तरफ से, तालाब तरफ से, तालाब साइड साइड में, तालाब साइड साइड में पार होना पड़ेगा, पता है तालाब में बहुत पानी भरा हुआ है हम लोग का। बबीता भी जा रही है रोपा रोपने के लिए, बबीता चलो मेरा रोपने के लिए, पहले मेरा रोपने के लिए चलो, पहले इधर इधर जा रहे दोस्तों। और हम लोग का आंगन ना इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया है ना, मतलब ये आंगन नहीं है, अखरा है, यहाँ पे बैल बकरी सब ऐसे चलता है ना, फिर ये गाड़ी पापा चलाते हैं वो गाड़ी है, तो ये गाड़ी भी घुमाते हैं, तो ऐसे हो गया है, इधर से नहीं जाते, इधर घिरा हुआ है, चलो ना तो आ ज्योति को, चलो आओ, इंदु भी आ गई, चलो रोपा रोपने, चलिए दोस्तों। तो आप लोग को मेरा खेत दिखाती हूँ मैं, हम लोग इधर साइड साइड के जाएंगे, अरे उतना तो पानी नहीं गया वाला कोई कितने को मैं कहाँ हटो रहे,
बड़का बात लग रहा है, ये गिरा था। दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी हूँ, ये है मेरा खेत। अरे कितनी रुगड़ी रे, करा थी हम पहन के। थोड़ा सामने सामने थोड़ा डिस्टेंस दे दी लेता हूँ तो हमन के। हम लोग इतना सा रोपा रोप चुके हैं और हम लोग का अभी बीड़ा ख़त्म हो गया है, तो मम्मी गई है बीड़ा लेने के लिए और उधर दीदी अभी रोप रही है। दीदी क्या हुआ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पत्थर मिल रहा है, पैर भी मतलब पैर में गड़ रहा है और हाथ की तरफ दे रहा है और उधर इंदू मेरे को बचा दी है। देखिए इंदू को देखिए, इधर बचा दी है दीदी के लिए, है मेरे लिए, तो उसको जा रही हूँ लेने के लिए। इंदू बहुत बदमाश है पता है। हम लोग का पानी नहीं लगा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का रोपा होगा हुआ कि नहीं। हम लोग ये तालाब है ना, तालाब से टुल्लू मशीन से पटा के और हम लोग रोपा कर रहे हैं। अभी इंदू मेरे लिए छोड़ दी है, जा रही है इसको लेने के लिए। काम भी हो गया, बीड़ा ख़त्म हो गया, तो मम्मी लेने के लिए गई है, थोड़ा सुपर बचा हुआ है। आए जाए इंदू रोप रही है, देखिए एंड तक बने रहे। क्या है, और पूरा कदवा उधवा गए हैं, देख सकते हैं पूरा पैर उर में। और सविता लोग भी रोपा रोप रही थी, उन लोग भी आज खत्म की, मतलब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया। और अभी शाम हो गया है तो अभी थोड़ा सा धुआ भी लेते हैं क्योंकि पूरा कदवा उधवा गए हैं, देख रही पूरा का। और हम लोग का खेत है पता है सविता, ये बाबा जोंक था, मेरे को कितना बार तंगाया था, अब ऐसा डर डर के तो पूरा। और हम लोग का खेत इतना रुगड़ी था ना, पूरा हाथ दर्द दे रहा है। परी को बोले रोपने के लिए तो परी पता है क्या बोलती है, अभी नहीं रोपेंगे भागी, जल्दी जल्दी चलो। और हम लोग झरना छाने के लिए साबुन सब निकाल रहे। डिक्की नहीं पकड़ी, तू पकड़ो डिक्की भी, तो जाते हैं दोस्तों जल्दी से फ्रेश होके आते हैं क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग रात नहीं है मतलब हो रहा है, शाम हो गया है। ज्योति को तबीयत से बोल रही है निकालने के लिए, निकाल भी नहीं रही है, निकालना होगा तो जल्दी। दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो चुका है और आज मेरा घर में बना था क्या था, इमली का पत्ता का झोर, मतलब जैसे कि सूखा साग, सूखा माड़ साग, तो इमली का पत्ता का मम्मी सुखाई थी तो खट्टा खट्टा मज़ा आया। मैं खांस भी रही हूँ पानी में, इतना ज़्यादा भींगी हूँ ना अभी ड्यूटी जाने के समय, क्योंकि अभी लगातार पानी पड़ रहा है हमारे तरफ, तो पानी में भींगी हूँ, खांस रही थी और खांस रही हूँ अभी, और खट्टा भी खा ली हूँ। और ऊपर से मुझे नहीं पता था माड़ साग था, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है तो आलू साग होगा, इसलिए मैं और
आम का अचार ले ली थी, तो आम का अचार भी खाई और खट्टा खट्टा और ज़्यादा मेरा गला भी पूरा बैठ गया। और रोपा रोप के तो आज फर्स्ट दिन है कि क्या, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही है और सारे लोग, ज्योति पूरा थक गई है सुबह से, बीड़ा मतलब बीड़ा को उखड़ाई फिर रोपा रोपी, बहुत ज़्यादा थक गई, तो आज पढ़ाई भी नहीं की और सो गई। इंदु भी इधर थक गई, वो तेल मालिश कर रही पैर पे, और मम्मी पापा लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सही रहो ना, लाइट नहीं आ रहा है, सही रहो। ओके दोस्तों, बाय बाय। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक एंड करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।